बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 से 80 की एक नई वीडियो के साथ फैज़ुल हसन नसीम अपने साथियों की खिदमत में हाज़िर है और आज हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम, एक बहुत ही अजीज़ हस्ती शरीक गुफ्तगू हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अबरार मुहीउद्दीन साहब। मैंने एक वीडियो में पहले भी इनकी आवाज़ आप लोगों को सुनवाई थी, आज मैं इनका शुक्र गुज़ार हूँ कि बिनफ्स नफीस हमारे साथ ये आज मौजूद हैं। और चूँकि आलम दीन हैं, दीन का बहुत माशाल्लाह वसी इल्म रखते हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे दीन की हिकमतों को। और दीन की हिकमतों को समझना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो दीन को हमने मान लिया, उस पर हम ईमान ले आए, उसके हवाले से हमने अपने आमाल भी शुरू कर दिए, लेकिन अगर दीन की हिकमतें समझ आ जाएँ तो उन आमाल में जो गहराई और जो खुलूस आ जाता है उसका मज़ा ही कुछ और है। और हमारी कोशिश ये है कि हम दीन की हिकमतों को समझ सकें, जिसमें अबरार मुहीउद्दीन साहब जैसे आलिम फाजिल लोग जो हैं वो हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। तो अबरार साहब, अस्सलाम वालेकुम, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए हमारे लिए, हमारे दोस्तों की रहनुमाई के लिए। शुक्रगुजारी की कोई ज़रूरत नहीं, ये दीन का काम है और हम सब का फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, ऐसा है कि दीन की हिकमतों को समझना क्यों ज़रूरी है? बाज़ दोस्त अहबाब इस हवाले से कभी कभी कुछ एतराज़ भी कर देते हैं। मैं अपनी गुजारिश आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, उसके बाद आपसे चाहूँगा कि आप इसमें हमारी रहनुमाई कीजिए। मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद में बहुत सारी इस हवाले से कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी तवज्जो दिलाती हैं कि दीन की हिकमतों को समझना बहुत ज़रूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियाँ से कहा, या अल्लाह तो मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह मियाँ ने पूछा कि काला अवलम तोमिन, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तो फरमाया कि या अल्लाह ईमान है, पक्का ईमान है, लेकिन मैं अपने इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि तू किस तरह से करेगा। और फिर वो सारा वाक़िया जो कुरान मजीद में बयान है। और इसके अलावा कुरान मजीद में जगह जगह पर इस बात का जिक्र है कि देखो, अल्लाह की निशानियों को देखो, उनको समझो, ताकि तुम्हें यकीन हो, ताकि तुम्हें पता चले कि वाकई अल्लाह की एक ज़ात मौजूद है जिसने ये सारी कायनात पैदा की है, या जिसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया, खुद तुम्हें भी बनाया। तो दीन की हिकमतों को, अगर हम दीन को समझने के लिए दीन की हिकमतों के बारे में बात करें, तो इस हवाले से आप हमारी क्या रहनुमाई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। देखें, जो एक बुनियादी चीज़ें इसमें मद्दनज़र रखी वो ये है कि कुरान करीम की जब पहली वही जो आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें अल्लाह ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि अल्लामा बिल कलम अल्लामल इंसान मालम यालम, कि हम इंसान को वो सिखा रहे हैं, सिखाएंगे जो वो नहीं जानता। सही सर, ये बात कुरान करीम उस दुनिया को कह रहा है जिसमें वेदें भी मौजूद हैं, चाणक्य का फ़लसफ़ा मौजूद है, ज़रतश्त मौजूद है, कन्फ्यूशस मौजूद है, अफलातून अरस्तू और सुकरात के फ़लसफ़े तमाम तर मौजूद हैं। सही, ठीक है जी। अकलियत का उरूज है ये उस बात। अब बात ये कि इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इल्मी दुनिया को मुतासर किया हुआ था वो था यूनानी फ़लसफ़ा। यूनानी फ़लसफ़े में बेसिकली सोफ़स्ताइयत, सोफ़स्टिकेटेड जिसको अंग्रेज़ी में भी कहते हैं, सोफ़स्ताइयत की हुक्मरानी थी। और सोफ़ास्तायत का एक तरीक़ेकार था, ये एक बाकायदा एक उलमा का तबका था, इसका तरीक़ेकार था कि हर चीज़ को तशकीक से शुरू करके अक्ल के मुशाहदात की बुनियाद पर फिर आप हकीकत तक पहुँचें। सही, इसको मुख्तसर तौर पर, इसमें फिर उनके कई बाग फ़िरके भी बने। अच्छा, अब इस दुनिया में जिसमें मतलब है हर चीज़ को तशकीक से शुरू करना है, तो कुरान करीम नाज़िल हो रहा है, और इसमें बेहतरीन तरीक़ेकार यही था जो कुरान ने अडॉप्ट किया कि लोगों को दीन की तालीम दी जाए और अकल को भी अपील किया जाए कि तू भी इस पर गौर व फिक्र कर ले, तू भी इसकी तायद कर ले। सही, गौर व फिक्र करके इसको तायद कर ले। तो चुनाचे दुनिया में इल्हामी गैर इल्हामी किताबों में दुनिया में वाहिद पहली और आखिरी किताब है कुरान करीम, जो जो हुक्म बयान करता है उसकी लॉजिक बयान करता है। सही, अकीदा तौहीद बयान किया, लॉजिक बयान की, दलायल दिए, नबुव्वत को बयान किया, दलायल दिए, आखरत को बयान किया, दलायल दिए, अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म दिया, दलायल, यानी इतनी लॉजिकल चीज़ अपना मनहज जो है किसी किताब का, भाई इससे पहले वेदों में, तौरात में, इंजील में कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। सही,
तो गोया इससे एक बतला पता हुआ, पता चला कि इस्लाम में जो इल्म का तसव्वुर है वो ये है कि अकल और मज़हब साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। ये नहीं कि ईसाइत की तरह कि अकल कहीं और ले जाए और आपस में घूमना, नहीं। इस कुरान बुनियादी तौर पर हिदायत की किताब होने के बावजूद अकल को सोर्स ऑफ नॉलेज तस्लीम करता है अपनी रहनुमाई में। बिल्कुल सही है। अब इससे ये इसके लिए कुरान करीम ने हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, किताब वल हिकमा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको एक और बात है जी, बात बताऊँ इस पर, शायद अच्छे भले अहबाब की नज़र ना हो, कि कुरान ये बताता है कि हर नबी और रसूल साहिब हिकमत था। बिल्कुल सही, लेकिन मुअल्लिम हिकमत सिर्फ आ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, क्या अजीब बात है ये आ जनाब के तालीमात की, युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये जुमला कुरान करीम ने किसी नबी और रसूल के बारे में इस्तेमाल। बिल्कुल सही हो गया, तो गोया आप हिकमत की तालीम भी देते। अब हिकमत है क्या? मुख्तसर तौर पर हमारे उलमा ने इस पर एक बात लिखी है, हमारी फ़लसफ़े की किताबें जो मदारिस में हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ाई जाती है उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा है कि अल अक्लु फिद्दीन, के दीन के मामलात को अकल की बुनियाद पर उसकी तायद मुहैया करना, ये है हिकमत। सही हो गया। तो अब इससे आप जहन में रख लें कि हिकमत जो है दीन के अहकाम के समझने के लिए समझना, ये दीन का मिजाज है। सही हो गया, ये दीन का मिजाज है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत बात की आपने कि हम अगर दीन की हिकमतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सही राह पे हैं। सही राह पर, बिल्कुल सही हो गया। सर मुझे कई दफ़ा ये इत्तफाक हुआ, हम आमतौर पे सोचते नहीं हैं इन पहलुओं के हवाले से, लेकिन कई दफ़ा इत्तफाक हुआ कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो है ना, अगरचे वो उस वक्त बयान किए गए थे जब आज के दौर की चीज़ों का कोई गुमान नहीं था, लेकिन मैं बैठ के कभी सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ढके छुपे लफ्ज़ों में सही, किसी और अंदाज में सही, आज ही की चीज़ों को बयान कर दिया गया। मैं एक गुजारिश आपकी खिदमत में करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस तो आप बयान कर सकते हैं, कि पीने के पानी के बर्तन को ढाँप के रखा करो, मुबादा इसमें शैतान चला जाए, ऐसी एक हदीस है। अच्छा, मैं एक दिन बैठ के ऐसा सोच रहा कि ये शैतान से मुराद क्या है। बुनियादी तौर पर जो शैतान के बारे में तसव्वुर है हमारा वो ये है कि इंसान का दुश्मन, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। आज अकली तौर पर हम ये जानते हैं कि अगर पानी के बर्तन को खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या इस किस्म के और बहुत सारे जानदार चले जाएँगे जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, जो हमें बीमार कर सकते हैं। आप ये देखिए कि एक सिंपल से फ़लसफे की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा सबक दे दिया हमें कि पानी के बर्तन को ढाँप के रखो, मुबादा इसमें वो चीज़ चली जाए जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अगर जाहिर है उस वक्त बैक्टीरिया का या फंजाई का जिक्र किया जाता तो वो किसी को समझ नहीं आती थी, कबल अज़ वक्त था, कबल अज़ वक्त था। लेकिन शैतान का एक लफ्ज़, एक इस्तारा इस्तेमाल करके वो सारी नुकसानदेह चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई, क्या ये सही अंदाज़ है दीन को समझने का? सर इसमें दो तीन चीज़ें, पहली चीज़ ये कि हमारा ये अकीदा है और इससे इन्हराफ कुफ्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के तमाम बनी नौ इंसान के लिए रसूल बना कर भेजे। बेशक रसूल वो सबका है, काफिर का भी रसूल है, मुशरिक का भी रसूल है, मुसलमान वो है जिसने उसको मान लिया। सही, ठीक है, मुसलमान की दीन पर या मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुरान पर इजारादारी नहीं है। सही, एक बात तो ये। अब हम जनाब बाज़ अवक़ात हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी आज के दौर के लोगों के लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो अब समझ आती हैं, उस दौर में समझ नहीं आती। सही, मैं इसमें से एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ, दो नमाज़ों को ज़ुहर और असर को बिला वजह बग़ैर किसी वजह के मदीना मुनव्वरा में दो नमाज़ों को इकट्ठे पढ़ाया। सही, अच्छा, आपके इमाम तिरमिज़ी जिसने ये हदीस बयान की है वो ये भी लिखते हैं कि इस हदीस पर कभी किसी ने अमल नहीं किया उम्मत में, लेकिन सवाल यह है कि नबी का फरमान है तो सही किसी के लिए। सही, अब एक दिन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि वो बंदे अल्लाह के ये स्वीडन और नॉर्वे के लोग जो हैं जहाँ दिन और रात का पैमाना ही मुख्तलिफ है, तो ये हदीस तो उन लोगों के लिए है कि भाई तुम सूरज दिन और रात के ये जो तनव्वो है ना, इसमें तुम्हारे लिए रिलैक्सेशन है कि तुम नमाज़ों को, तो इससे अंदाज़ा होता है कि आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में क़यामत तक के लोगों की बिल्कुल 100% रियायत रखी गई है।
एक चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़ ये सर, यहाँ एक गलती हमारे अहबाब करते हैं और वो ये है कि वो हिकमत की बुनियाद पर दीन के हर हुक्म को, यानी दीन के हर हुक्म को हिकमत की बुनियाद पर समझना चाहते हैं। एक ये है कि आप दीन को, दीन के अहकाम को की हिकमतों को समझें, ये और बात है। ये और पहलू है कि आप दीन के हर हुक्म को अकल की बुनियाद पर परखें, हकमत की बुनियाद पर परखें, और अगर बिलफर्ज उसमें कहीं नाकाम हो जाएं तो फिर आप सोच में पड़ जाएं कि ये कैसा है। तो सर उसमें गुजारिश ये है, देखें जो साइंसी या मादी इर्तिका है या हिकमत है या लॉजिक है जिसको कहते हैं लॉजिक, ये सब्जेक्ट वो है जो अभी अंडर प्रोसेस है, डिवेलपिंग सब्जेक्ट है। ये कुरान की तरह ये फाइनल अथॉरिटी नहीं है, ठीक सर। तो दीन के अहकाम जो अकल की बुनियाद पर हम समझ में आ जाएं वो सर आंखों पर, वो बिल्कुल ठीक है। अगर खुदा ना खास बिलफर्ज कोई हुक्म हमारी अकली कोताही की बिना पर हमें समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ कुरान ने यूमिन में बिलगैब का हुक्म दिया है, नहीं अपील हुआ तो नासिर। डॉक्टर साहब इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन जितना मेरा थोड़ा बहुत इल्म है उसके हिसाब से मैंने ये देखा है कि दीन की जितनी भी बातें हैं वो साइंस से कहीं टकराव नहीं है उनका। साइंस उनको सपोर्ट तो करती है जी जी, साइंस उनको निगेट नहीं कर सकती। क्यों? साइंस एक बहुत लिमिटेड नॉलेज है और ये लिमिटेड नॉलेज जो है इंसानी एक एफर्ट है इस मादी दुनिया को समझने की, जबकि दीन जो है वो सिर्फ मादी दुनिया से डील नहीं करता, एक और दुनिया भी है जिसके हवाले से दीन हमारी रहनुमाई करता है। मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ आपकी बात की तायद में। फ्रांस का एक प्रोफेसर है मोरिस बकाई, उसकी किताब है कुरान बाइबल और साइंस, बड़ी मशहूर किताब, मशहूर किताब। उस किताब का खुलासा ये है, वो ये कहता है क्रिश्चियन होने के बावजूद ये कहता है कि बाइबल तकरीबन हर जगह साइंस से कंट्राडिक्ट करती है, सही है। कुरान का कमाल ये है, ये साइंस को हर जगह सपोर्ट करता है। कुरान तो साइंस की तरफ खुद मुतवज्जे करता है। गौर करो, जब अल्लाह मियां कुरान मजीद में ये कहता है कि ज़रा गौर तो करो, ये कौन है जो हवाओं में पानी उठा के ले जाता है और बारिश बरसाता है, ये कौन है जो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है, ये कौन है जो बीज को फाड़ता है और फिर उसमें से पूरा एक दरख्त निकाल के खड़ा कर देता है, इस तरह की बेशुमार आयात हैं। तो कुरान तो खुद कहता है कि इधर आओ, तवज्जो करो, समझो इनको। क्यों? जब इनको समझोगे तो तुम्हें खुदा समझ आ जाएगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि खुदा एक हस्ती है, एक ज़ात है, एक ताकतवर ज़ात है जो मौजूद है और जिसने ये सारा निज़ाम बनाया हुआ है। तो मैं ज़ाती तौर पे तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हिकमतों के ज़रिए भी दीन को समझने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो किसी और का डिमांड, ये तो तय हो गया कि वो दीन की डिमांड है, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा एक डॉक्टर साहब और भी बात इसी हवाले से आती है, आज की बात इसी जगह पर मेरे ख्याल में हम ख़त्म कर लेंगे कि एक तो है ना मुसलमान, उसने अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सारा कुछ आमना व सदकना कह दिया, फिर उसके बाद उसने दीन की हिकमतों को समझने की कोशिश शुरू की और जैसे जैसे, मैं ये कहता हूँ कि जैसे जैसे हमें दीन की हिकमतें समझ आती चली जाती हैं हमारा ईमान पुख्ता होता चला जाता है। एक वो शख्स है जो अभी ईमान नहीं लाया, गैर मुस्लिम है, और वो आपसे सवाल करता है कि जनाब मुझे आप समझाइए ज़रा कि क्यों मैं इन चीज़ों को मानूँ या ये जो आपका हुक्म है मिसाल के तौर पर इसकी हिकमत क्या है। तो अगर हम मुसलमान उसको उसकी हिकमतें समझाने के काबिल नहीं हैं तो क्या हम तबलीग के फ़र्ज़ में कोताही नहीं कर रहे होंगे, हम उसको समझा नहीं पाएंगे ये बात? डॉक्टर साहब ये बात आपकी 100% दुरुस्त है। दीन की तबलीग करने वाले में इतना मलका होना चाहिए कि वो हम किस्म के हालात और सवालात को मतलब है कि फेस कर सके। अगर खुदा न खास्ता आपने ये सलाहियत नहीं है तो सर ये अगेंस्ट दी रिलीजन भी जा सकता है, सही। तो ये ज़रूरी है कि आप मुखातिब को, और यही बात तो वहाँ जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, एक बात हदीस है डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त, कि रसूलुल्लाह फरमाया था कल्लमुन्नास अला कदर उकूलहिम, लोगों की ज़हनी कैफियतों के मुताबिक उनको सामने रख के उनसे बात करो कि इस शख्स की किस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो इसके लिए बात करने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो मुखातिब की अपना उसको मुखातिब को उसकी ज़बान में समझा सके। हाँ, मुखातिब को उसकी ज़बान में समझा सके। सही सही। अगर ऐसे ये मलका आपके अंदर नहीं है
ये हुस्न कलाम या दीन की हिकमतों को समझने की सलाहियत आप में नहीं है, तो दीन की तबलीग करते वक्त सोच लीजिए कि मैं कर ये बिल्कुल सही, इसमें तो कतन कोई शक व शुबा नहीं है डॉक्टर साहब कि ज़ाहिर है जब आप किसी मुखातिब को किसी बात का कायल करना चाहते हैं तो फिर पहले आपको ख़ुद भी तो उसकी समझ होनी चाहिए ना। अगर आपको ख़ुद उसकी समझ नहीं है और आप दूसरे को तबलीग करने के लिए चल निकलेंगे, डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। मैं अपने सुनने वाले दोस्तों की खिदमत में याद करता चलूँ, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब के साथ इसी तरह की नशस्तें होती रहें, हमारे समझने के लिए सीखने के लिए भी डॉक्टर साहब के पास बहुत कुछ है और इंशाल्लाह जो गुफ्तगू हम यहाँ करेंगे उससे में हमारे दोस्तों के लिए, हमारे वीडियो देखने वाले साथियों के लिए भी बहुत मालूमात होंगी, उनके लिए रहनुमाई होगी। और ये हम सब का फ़र्ज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम सब का फ़र्ज़ है दीन को समझें, और अगर दीन की हिकमतों के साथ उसे समझेंगे तो फिर दीन पर अमल करने में जो लुत्फ़ आता है वो जैसे जैसे ये हिकमतें समझ आती जाती हैं वैसे वैसे ये लुत्फ़ बढ़ता चला जाता है। डॉक्टर साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे खिदमत दीन का एक मौका अता फरमाया, अल्लाह पाक आपकी इस खिदमत को इसको शर्फ कबूलियत अता फरमाए, आमीन आमीन, इंशाल्लाह हमारा साथ आपके साथ रहे। जज़ाकल्लाह। हमारी अपने दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उनको उसकी बर वक्त इत्तला मिल जाए।